हाँ बच्चों, आज हम आपको जैसे रोज़ संडे को हम कुछ ना कुछ देते हैं क्रिएटिविटी में, तो वाटर कलर में ट्री को कैसे आसानी से बनाना है इसके बारे में मैं आपको टिप्स दूंगी। एक हमने सिंपल सी ट्री की ड्राइंग बनाई है जो आपके सामने है, तो इसको कई तरह से बनाते हैं। एक टेक्निक में तो यह है कि आप पहले कागज़ को इस तरह से वाटर वॉश लगा लें, ये जैसे मैं लगा रही हूँ कागज़ को। आपने ड्राइंग बनाने के बाद कागज़ को, पेपर को इस तरह से ब्रश से इसमें पूरा वाटर वॉश लगाना है, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना कि कागज़ का रेशा ख़राब हो जाए। अभी ट्री हम लाइट इसीलिए बनाएंगे क्योंकि अगर हमने डार्क बना दिया तो कलर के बाद पेंसिल की मार्क और लाइनें हमको दिखाई देती हैं, वो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये तो इसलिए हमको इसको हल्का बनाना पड़ रहा है। आपको भले ही देखने में दिक्कत होगी तो इस तरह से आप करेंगे और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। देखिए, ये वाटर कलर के हमारा केक कलर्स हैं, और सबसे पहले हम लोग जो है लाइट, यानी सबसे लाइटेस्ट उसमें हम शुरू करेंगे और इस तरह से ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे। ये येलो में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स किया है, ठीक है। और इसको पेड़ की ट्री की जो लीव्स के फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमको लगाना है, तो हम कुछ जगह पर येलो, येलो जो है धूप के रिफ्लेक्शन को दिखाता है, जहाँ हमें धूप पड़ रही है, जहाँ हम हाईलाइटेड पार्ट है, तो हम इसलिए इसको इस लाइट कलर से शुरू करेंगे और बीच में हम गैप छोड़ेंगे डार्क कलर के लिए। इस तरह से पेड़ के दोनों साइड पत्तियां इस तरह से गिरती हुई, इसकी ओवरऑल फॉर्म को दिखाना है। हम इसमें एक एक पत्ती तो नहीं दिखा सकते, जब हम ट्री को डिस्टेंस से देखते हैं तो उसमें पेड़ का पूरा इम्प्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पेड़ हमको दूर से पूरा ओवरऑल कैसा लगता है। अभी ये लगाया है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक टोन और ऊपर जाके ये जो बीच में गैप है इसमें अब हम अगेन ये बीच वाले में, ये हमने ग्रीन लिया लेकिन बहुत डार्क अभी नहीं चलेंगे, आप देख रहे हैं हम बहुत संभल के इसमें करना होता है। अब ये जगह में ये जो आपको गैप दिख रहा है इसमें हम ग्रीन ग्रीन के साथ, आप देखो मैं हल्का सा ब्लू भी ले रही हूँ क्योंकि हरे रंग में नीले का भी असर होता है, इसी रंग के संयोग से ये मिलकर बना है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी हमारा इतना हुआ है, देखिए अभी यही वृक्ष इसमें हमने थोड़ा सा और, अब जहाँ मैंने डार्क कलर लगाया था उसको मैं और इम्प्रूव कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा पहले से और एक स्टेप डार्क ले रहे हैं। तभी पेड़ में जब तक डेप्थ नहीं होगी तो आपको एहसास नहीं होगा कि ये कहाँ ये लाइट और कहाँ डार्क है, और ये जब तक हम इस तरह का ये कलर ग्रेडिंग नहीं करके बताएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा और पेड़ बिल्कुल भी अच्छा उसका इम्प्रेशन नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और लाइट को हमें बाद में धीरे धीरे करना है। और ये जैसे पत्तियाँ हैं इसके छोटे छोटे, हम इस तरह से, आप देख रहे होंगे इस तरह से ये छोटे छोटे हम स्ट्रोक्स लगा देते हैं। ये आप भी कोशिश करेंगे ब्रश से थोड़ा फ्री हैंड, तो आपका भी इसी तरह से आएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, और फिर आप भी ट्राई करेंगे और बनाएंगे, आपका भी अच्छा बनेगा। हाँ थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, एकदम तो नहीं होता, धीरे धीरे एक बार दो बार तीन बार इस तरह से आप जब बनाएंगे और आपको आनंद आने लगेगा वाटर कलर में, तो वाकई आप भी बहुत अच्छा क्रिएशन कर पाएंगे। और लैंडस्केप का में तो ट्रीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ट्री के बिना लैंडस्केप नहीं है, इसलिए हमें ट्रीज़ का
को कैसे बनाना है इसका हमको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए कुदरत की हर चीज़ को हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। शाखाएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं, स्टेम्स पतली होती हैं और तना भी पेड़ का जैसे जैसे नीचे आता है मोटा होता है, और जब ये ऊपर जाता है तो ये पतले होते जाते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये इस तरह से ये जब ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ऐसा लुक आएगा। और आप बिल्कुल कलर ग्रेडिंग में ध्यान देना, कभी भी कोई भी रंग हम एक साथ नहीं लगा देते, स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे हमें स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। और आप लोग भी कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा बनाने की, और बनाने के बाद मुझे भेजना और इसको लाइक भी कर